कि चिराग पासवान जी ने सहमति दी है कि हमारे उम्मीदवारों के लिए वो प्रचार करेंगे। और देखिए, पहले से चिराग जी हमारे एनडीए के पार्ट दिल्ली में रहे हैं, केंद्र में हमारे पार्ट रहे हैं, वो हमसे बाहर नहीं गए हैं। और निश्चित रूप से राज्य में चूंकि वो चुनाव लड़ गए थे इसलिए हमसे दूरी बनी थी हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है? चिराग पासवान को साथ लाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। बिहार की राजनीति की गर्माहट अचानक और बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में गहमा गहमी अचानक और बढ़ गई है। उपचुनाव की वजह से पहले ही गर्माहट है, लेकिन तपिस और बढ़ गई है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है कि चिराग पासवान बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। चिराग पासवान का साथ बीजेपी को मिल गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं। विनोद शर्मा जी, बड़ा कंफ्यूजन था, चिराग पासवान एनडीए में उनकी एंट्री होगी नहीं होगी, खबरें आती हैं कि वो मंत्री बनेंगे, तमाम तरह के सवाल होते हैं। आज जिस तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि चिराग पासवान पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, ये बात पार्टी के प्रचार तक सीमित है या फिर एनडीए में एंट्री का रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि चिराग पासवान जी ने सहमति दी है कि हमारे उम्मीदवारों के लिए वो प्रचार करेंगे। और देखिए, पहले से चिराग जी हमारे एनडीए के पार्ट दिल्ली में रहे हैं, केंद्र में हमारे पार्ट रहे हैं, वो हमसे बाहर नहीं गए हैं। और निश्चित रूप से राज्य में चूंकि वो चुनाव लड़ गए थे इसलिए हमसे दूरी बनी थी हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ, हमारे गठबंधन के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवारी दी थी जिसके कारण उनसे दूरी बनी थी। लेकिन हमारे विचारधारा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में हमेशा वो चर्चा करते रहे कि हम उनको अपना नेता मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। जो निश्चित रूप से उन्होंने निर्णय लिया है, काफ़ी स्वागत योग्य है। हमारे अध्यक्ष जी ने जो घोषणा किया है जिसका काफ़ी असर दिखेगा दोनों उपचुनाव में, हम निश्चित रूप से दोनों उपचुनाव के दोनों सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान के साथ आने से दोनों उपचुनाव में आपको फायदा होगा? जी, निश्चित रूप से वोटों की संख्या बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता काफ़ी है युवाओं में खास करके, और उन्होंने एक अच्छा मैंने अपना आचरण प्रस्तुत किया है, दिखाया है कि वो लड़ाकू है और अत्याचार के, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से नहीं। लेकिन तब तो सवाल यह भी है विनोद शर्मा जी कि ये बात प्रचार तक सीमित है या चिराग पासवान की अब एंट्री एनडीए में एंट्री होने जा रही है? तो मैंने अभी ना चर्चा किया कि दिल्ली स्तर पर वो हमारे पार्ट रहे हैं, हमने कभी बाहर नहीं किया, नो बाहर गए हैं। निश्चित रूप से उनके चाचा पार्टी तोड़ करके आ गए थे। नहीं, लेकिन बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने ऐलान किया था कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ या इस तरह का जो ऐलान हुआ था कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा। देखिए, बिहार के लिए हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार के दायरे में किया था, उसके लिए प्रभारी या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते। तो मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ, बिहार में, बिहार एनडीए में उनकी एंट्री होगी? निश्चित रूप से जब उन्होंने सहमति दी है और काम करने का मन बनाया है तो आगे निश्चित रूप से इस पर विचार होगा। केंद्र नेतृत्व विचार करेगा कि उनको और मजबूती से हम आगे लावें और आने वाले दिनों में उनको और महत्व दे करके उनके जो लोकप्रियता है उसका हम उपयोग करें। एक बड़ी चर्चा है जो खबरें सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल का भी हिस्सा हो सकते हैं, मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। देखिए, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और कोर कमेटी है, वो तय करती है कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। और निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति हैं, अगर बनाए जाएंगे तो बिहारवासियों को काफ़ी खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको खुशी होगी। बड़ी बात आपने कह दी है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा प्रचार करने के लिए नहीं गए, मोकामा के घोसवरी में उनकी जनसभा होनी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में उन्होंने प्लान कैंसिल किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी अब किस मकसद से नहीं गए तो बताएंगे, लेकिन ऐसे आश्वस्त नहीं है कि वो नहीं जा सकते थे, सब जगह घूम रहे हैं, घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, आवास भवन का, विधायकों के आवास का कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो बहुत दूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है उन पर और हमें लगता है कि राजद के उम्मीदवारों को नहीं जीतने देना चाहते हैं, जिसका वो मैंने एक प्रतिरूप है और निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा चुनाव पर। तो देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी थे। एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ही दी है, ऐलान किया है, जानकारी दी है मीडिया को कि चिराग पासवान पार्टी के लिए, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। तो इस पर बातचीत
इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।